Hello, good day, everyone. One of my fun parts of my job is chatting to athletes, and I find wonderful people to do this to every day. And similarly, we discovered this through Meerarani. We were very tempted to have her throw the ball into the audience just to see how tough it is to catch a rugby ball, but we've decided not to. Meerarani and I will be speaking to each other today in Hindi. I assume all of you will follow. If you don't follow, we're happy to translate later. Meera comes from Orissa in Keunjar. आप अपने बचपन के बारे में बताइए, कैसा था? काफ़ी मुश्किल बचपन था आपका. आपकी माँ का देहांत हुआ था जब आप 3 साल की थी, तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए कुछ हमें. मैं उड़ीसा के केंद्रझर डिस्ट्रिक्ट से हूँ. मैं गांव से हूँ, पूरा एकदम गांव में, जहाँ खेतीबाड़ी करके हम घर में रहते हैं. मेरे घर में मेरे पापा मम्मी थे. मैं जब छोटी थी पूरा एकदम मेरे साथ और 4 भाई बहन, हम लोग 5 भाई बहन लोग हैं. तो गांव में जैसे खेतीबाड़ी करो, आराम से खाओ पियो रहो, बस ऐसे ही आराम से मेरे जिंदगी चल रहा था गांव में. और मीरारानी, जब आपकी आपके माँ की जब डेथ हुई थी, तो एक बहुत जैसे हादसा हुआ आपकी लाइफ में, आपके पिताजी को एक डिसीजन लेना पड़ा, उसके बारे में ज़रा बताइए यहाँ जो लोग हैं. मैं बहुत अच्छा से ज़िंदगी में जी रही थी 3 साल तक. पर 3 साल जब हो गई थी, उसके बाद मेरे मम्मी का जब देहांत हुआ, सारे मेरे फैमिली में पूरा चेंज होने लगा. जबकि मैं साथ और मेरे साथ 5-4 और भाई बहन लोग थे. पापा को बहुत तकलीफ हुआ जब सडनली मम्मी का ऐसे हो गया. तो पापा को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था. पापा ऐसे सर्च में लग रहे थे कि कहाँ पे अच्छा जगह होगा मैं उनको डाल सकूँ और वो लोग अच्छे जगह में रहे और खाए पिए, एटलीस्ट जी तो पाए ये लोग. जब मेरे मम्मी गुजर गए, तो गाँव में ऐसे, हमारे गाँव में ऐसे होती है कि जब कोई मर जाता है घर में, तो उनको लगता है कि ये बच्चे लोग मतलब बिगड़ जाएंगे, तो वो लोग आके मांगते हैं बच्चा, तो हमको बच्चा दे दो, हम अपने घर में रखेंगे, खाना पीना देंगे, फिर हम पढ़ाई वढ़ाई का कुछ बात नहीं होता है, डील नहीं होता है, बस बोलते हैं कि घर में रखेंगे और खाना पीना देंगे, घर में रखेंगे. तो पापा को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. पापा सोच रहे थे कि मैं कौन से भरोसे में मैं इनको दे दूँ. तो उनको लग रहा था कि मैं अच्छा, मतलब पापा ने डिसाइड किया कि मैं बेस्ट डिसाइड करूंगी कि एक अच्छा सा हॉस्टल में अगर दे दूंगी तो शायद ये लोग अच्छा से जी पाएंगे. तो पापा ने डिसाइड कर लिया कि केंदुझर में ही एक ऑर्फानेज एक अच्छा वाला था. जितना भी था तब तो उतना अच्छा नहीं था ऑर्फानेज, लेकिन जितना भी था पापा ने डिसाइड कर दिया कि मेरे को इनको उधर ही डाल देना है. तो पापा तभी नहीं डिसाइड नहीं मतलब सोचे नहीं कि बच्चा लोग उधर जाएंगे कुछ हो जाएगा, तो तभी कुछ नहीं सोचे. पापा को बस गाँव छोड़ना था. तभी पापा सोचे कि मैं गांव में अगर रहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चों के लिए, क्योंकि गांव में आप खेती करोगे तो पैसा इतना जल्दी नहीं मिलता है, महीने के बाद ही मिलता है. तो ये पापा सोचे कि अगर सिटी आ जाएंगे तो मैं भी जितना काम करोगे जल्दी से आपको पैसा मिल सकता है. तो फाइनली डिसाइड किए कि हमको ऑर्फानेज में छोड़ देंगे. फिर पापा ने फाइनल कर दिया, जितने भी घर में थे बकरी वकरी जितने थे सारे गाँव में बेच दिए. फिर गाँव छोड़ के डिसाइड किए कि घर जाने के लिए मतलब दूसरे जगह जहाँ अभी रहते हैं हम लोग, केंदुझर में ही रहते हैं, और मेरे को वो ऑर्फानेज में छोड़ दिए थे. व्हाट मीरारानी इज टेलिंग अस इज द लाइफ ऑफ मोस्ट ऑफ आर एथलीट्स कम्स फ्रॉम सर्कमस्टेंसेज ऑफ दिस सॉर्ट, है ना. हमारे एथलीट जो हैं, काफ़ी सारे उनकी ऐसी मुश्किल ज़िंदगी होती है. अब आप ऑर्फनेज के बारे में आप ज़रा बताइए मीरारानी, कि उस टाइम कैसा था आपकी ज़िंदगी ऑर्फनेज में? आप घर जाके काम भी करते थे. आप इनको ये बताइए कि आपके एक्सपीरियंस कैसा था. आपकी बहन की एज क्या थी? आपने बताया मुझे बहुत छोटी थी वो ज़रा शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ. मैं ऑर्फनेज गई तो मैं 3 साल की थी, और मेरे से छोटी बहन जो 6 मंथ की थी, तो बहुत छोटी थी वो. तब मेरे को उधर छोड़ दिए, मेरे साथ और 3 भाई बहन को छोड़ दिए. तो फिर ऑर्फनेज में आप लोगों को पता रहेगा कि कैसे होता है. जब छोटे बच्चों को मतलब पापा मम्मी नहीं रहते, तो बाहर से ऐसे अडॉप्ट करने लोग आते हैं. बस मेरे साथ भी सेम हुआ था, और मेरे भैया के साथ. मेरे भैया को US लेके जाने वाले थे और मेरे को सिंगापुर. पर ये गर्व होती है कि मेरे को, मैं इतना मतलब खुद के बल से मैं अभी 2-3 बार सिंगापुर जाके आ चुकी हूँ खेल के माध्यम से. Meerarani's father worked in a steel plant, yes, which was in the town where he had moved from the village. And when they went back on holidays, it was where she worked too. And she first started working for interim period at the age of 9. Aur wo bataiye ki kya cheez hai wo. I'll try and explain to you what the job is. When you melt iron to make steel, what is left at the top of it, I'm sure there are some industrialists who understand this. I'm explaining to you from a sports journalist perspective.
There's sort of froth at the top, which is basically just siphoned, put away because it's just garbage or it's slag, as they call it. And in that, there are little pieces of cast iron that is there, part of the waste that has been left behind. Aap bataiye apna aapka kaam kya tha uska? Wo Tata Steel plant hai, wo bahut jagah hai Kendurjor district mein, same mere ghar ke paas mein bhi hai. वो स्टील प्लांट है वहाँ से जितने भी आयरन क्लियरली निकल जाते हैं वो तो निकल जाते हैं जो कि थोड़ा छोटे छोटे चीज़ रह जाते हैं उसको वो लेके दूसरे जगह डाल देते हैं ऐसे बड़े बड़े गाड़ी में तो हम लोग के एरिया के जितने लोग हैं सारे उधर ही जाते हैं काम करने वो एक चुंबक से ऐसे कलेक्ट किया जाता है वो चुंबक में मतलब ईजिली आ जाता है फिर उसको कलेक्ट करके हम बेच देते हैं बेचने के बाद वो किलो के हिसाब से प्राइस रहता है एक किलो के 10 रुपया 20 रुपया ऐसे रहता है तो हमारे एरिया में जितने आदमी लोग हैं सारे वही काम करते हैं मेरे पापा भी वो काम करते थे फिर मेरे भैया और मेरे दीदी हम लोग के वजह से पढ़ाई छोड़ के हमारे पीछे लगे फिर मैं अरफाने से जब घर में बीच बीच में जाती थी तो उनके साथ चले जाती थी काम करने के लिए एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ हैपलेस एंड मिजरेबल वर्क दैट यू आर डूइंग ऑन दिस माय कॉलीग वेंट टू द प्लेस वेयर दिस हैपेंड एंड शी केम बैक कंप्लीटली शेकन बाय व्हाट शी सॉ लेकिन आपके लाइफ में जो सब बड़ा वो आया जब आप Kalinga Institute of Social Sciences, which is called KISS, which is there in Bhubaneswar. They adopted Meerarani and uske baad bataiye kya hua aapki life mein? Kita change aaya? Ye jo Kalinga Institute of Social Sciences, ye Bhubaneswar mein hai. Ye KIT ke ek part hai, campus 10 hai wo. Wahan pe sirf tribal bache log rehte hai, humare jaise. Usme abhi 27,000 bache log hai, padhai karte hai mere saath. KG to PG hai wahan pe free residential hai wo. पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं जितना भी हमारे करिकुलर एक्टिविटीज सारे में पार्टिसिपेट कर सकते हो वहाँ पे हमारे जो सर है मैं गॉडफादर मानती हूँ उनको वो डॉक्टर अच्युतानंद सामंत सर जी है मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनके वजह से शायद मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग बहुत बच्चे लोग ऐसे मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं बहुत गर्व होता है बोलने के लिए कि फाउंडर सर जी है इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ जैसे अभी मेरे भाई बहन लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे 25,000 बच्चों अभी 27,000 हो चुके हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिलता है और फिर वहाँ पे आपको पढ़ाई के साथ साथ ऑप्शंस होते हैं आप कुछ भी अगर चाहोगे तो आपके टैलेंट के हिसाब से आप दूसरे लाइन्स चूज कर सकते हो तो वहाँ पे जब मैं 10 साल की उम्र में आई 2006 में तो बहुत मेरे को अजीब सा लग रहा था बहुत भीड़ वहाँ पे बहुत बच्चे लोग हैं तो बहुत भीड़ में आपको मेरे को बहुत अजीब लग रहा था तो मैं पूरा साय नेचर की थी बचपन में किसी से बात उत करने के लिए भी डर लगता था सवाल पूछने के लिए भी खुद को डर लगता था और किसी से बात उत करने के लिए भी दिल नहीं कर रहा था मतलब कुछ आ ही नहीं रहा था अंदर में तो धीरे धीरे मैंने वहाँ रह रहे के एक साल के बाद धीरे धीरे बात करना शुरू किया मेरे को लगा कि अरे यार मैं थोड़ी अकेला ऐसे हूँ शायद मेरे साथ और भी जो लोग हैं वो लोग भी मेरे ही जैसा है तो मैंने धीरे धीरे बात करने लगी वहाँ पे स्पोर्ट्स में ज़्यादातर मतलब कंट्रीब्यूशन है ज़्यादा फोकस किया जाता है अभी रग्बी में बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर मैं जैसे हूँ मेरे साथ और भी बहुत लड़की लोग इंडिया के लिए खेलते हैं प्राउड फील होती है उसी के वजह से कि किसके वजह से आज हम लोग और मेरे साथ जितने भाई बहन लोग हैं आज मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर चुके हैं सिर्फ खेल के वजह से नहीं दूसरे लाइफ एजुकेशन ऐसे टेडेक्स में भी आ चुके हैं 2-3 लोग पहले से बहुत खुशी होती है और फिर उसी के वजह से इतना लाइफ में चेंजेस आया कि मैं आज आपके सामने भी हूँ और बात भी इतने अच्छे से कर रही हूँ और किसी से भी अगर मैं अभी बात करूँ तो डर भी नहीं है मेरे मन में तो बहुत कुछ चेंजेस आया है किसके वजह से मेरे लाइफ में We'll now talk about rugby. Meerarani is about 5 feet tall, and I challenge anyone in the audience. She can tackle you down. इनको explain करिए जो यहाँ सब बैठे हैं ladies and gentlemen. इनको बताइए कि rugby में जो आपका role है, आप fly half है. आप explain करिए कि fly half का मतलब क्या है. एक तो सवाल वो है, और दूसरा सवाल कि ऐसा लगता है कि rugby बहुत tough sport है, और उसमें बहुत physical contact है. ये बताइए कि आप इन सब में आप small size की लगती हो, लेकिन वो नहीं करना चाहिए आपके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए बताइए इनको रग्बी एक ऐसे गेम है कि आप कहीं पे भी दूसरे गेम में देखो पर्टिकुलर एक हाइट के होते हैं साइज के होते हैं मतलब हाइट वाइट सारे डिफरेंट होती है क्रिकेट खेलो थोड़ा हाइट लंबे चाहिए रहता है और दूसरे कुश्ती वुश्ती खेलो थोड़ा सा हाइट शॉर्ट होने से भी चलेगा लेकिन हम लोग के गेम ऐसा है कि आप कहीं भी प्लेयर छोटा हो बड़ा हो कोई भी खेल सकता है मिक्स प्लेयर रहते हैं इसमें
छोटे छोटे हाइट के भी रहते हैं, लंबे भी रहते हैं, मोटे भी रहते हैं, पूरा एकदम सारे प्लेयर्स मिक्स होके रहते हैं। मेरा पोजीशन है इंडिया टीम में फ्लाई हाफ, मतलब नंबर 10, जो कि गेम मेकर हूँ मैं जैसे गेम खिलाना चाहूँगी टीम का परफॉर्मेंस वैसे ही होगा। मेरे पोजीशन जो है वो एकदम कूलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एकदम पूरा दिमागदार वाला पोजीशन है। Everyone knows that the number 10 shirt in a team, any sports team, is the star. Number 10 is the star, and that's her. That she's the star. ये जो आप रग्बी का बता रही थी, आप कुछ हमको हमारे साथ अनुभव जो हुए हैं आपके रग्बी के, खुशी के, दुख के, मजे के, आप बताइए कि रग्बी ने आपको दिया क्या और आप बने क्या हैं रग्बी के साथ? रग्बी ने तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाया है। जैसे कि रग्बी फील्ड में अगर कभी भी घुसते हूँ तो पूरा माइंड सेट हो जाती है, यार मेरे को ये करना है, वो करना है, पूरा माइंड सेट हो जाते हैं। बस लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो मैं पहले से ही तैयार हो जाती हूँ कि यार ये तो मैं कर पाऊंगी, ये मेरे को करना है, पूरा एकदम कॉन्फिडेंटली मैं उसको फेस करती हूँ। रग्बी मुझे वो सिखाती है, फियरलेस सिखाती है कि यार जिंदगी में ऐसे कोई नहीं को जिसको डरो, डर के रहो, ऐसे कुछ नहीं है लाइफ में। और फिर रग्बी के वजह से पर्सनालिटीज में बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे डिफेंस लाइन हमारे होते हैं, हम उसको ऑब्स्टाकल मानते हैं, उसको क्रॉस करके हमें स्कोर लाइन जाना है, तो लाइन को क्रॉस करके जैसे जाते हैं, सारे लाइफ में जितना ऑब्स्टाकल होते हैं इजीली आराम से कूल माइंड में पूरा एकदम पार होके जाना है। और कुछ हादसे जो हुए आपके साथ रग्बी में? रग्बी में मेरा एंजॉयबल मोमेंट ये है कि हम लोग बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, मैं 6-7 बार खेल चुकी हूँ, लेकिन हमारे दो तरह का रग्बी है, सेवेंस और फिफ्टीन्स। सेवेंस में हम 3-4 बार मेडल ला चुके हैं इंडिया के लिए, और फिफ्टीन्स में 2 बार, लेकिन ये फर्स्ट बार जो हुआ था फिलीपींस में लास्ट ईयर, उसमें हमारा सेकेंड टूर्नामेंट था, लेकिन हम लोग इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाए थे, सबसे वो अच्छा हुआ था। Rugby sevens and rugby 15s is literally like one day cricket and test cricket. And rugby 15s, the World Cup is on now. I would request all of you to watch it. I had a great chance to watch it yesterday with Meerabai on her phone while we were waiting to do rehearsal. Fantastic. Journalists don't get this kind of chance. आपके करियर के में एक बहुत दुख भरी हादसा हुआ था आपके साथ, आपने जो कल बताया था हमको, आप बताना चाहेंगे उसके बारे में लोगों को? ऐसे लाइफ में होती है, मेरे साथ भी बस थोड़ा सा ऐसे हुआ था। मैं जब इंडिया कैंप में थी, श्रीलंका के लिए हमारा टूर था, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ही कैंप चल रहा था हमारा, तभी हमको 2 दिन था टीम जाने के लिए श्रीलंका, तो तभी अचानक से मेरे को भी कुछ नहीं पता था, घर से फोन आया कि पापा का डेथ हो गया है, तो बहुत अपसेट हो गई अचानक से। फिर भाई भैया ने बोला कि मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो कुछ नहीं है, हम लोग है, हम संभाल लेंगे, तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, तुमको अभी जो जिसमें फोकस करना है अभी उसमें फोकस दो, फिर हम लोग है संभालने के लिए, तुम आओ या ना आओ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुमको कल या परसों टीम तुम्हारा जाने वाला है, तो इंडिया के लिए तुम खेलो, हम लोग है देखने के लिए। ये सबसे मेरे लाइफ में बहुत दुख की बात है। आपने क्या सोचा था उस टाइम कि आप जाएं ट्रैवल करें, कि आप अपने फैमिली के साथ रहना चाहते थे? मैं तभी जाना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, लाइफ में तो इतना मेहनत की, कैंप हमारा ऐसे 1-2 महीने हो जाता है, इतना दिन से मेहनत करके आ रहे, फिर 1-2 दिन के लिए घर जाएंगे, फिर उसके बाद दिन सिलेक्शन डिक्लारेशन था, तो इतना दिन का मेहनत पूरा चला जाएगा, इसीलिए मेरे को लगा कि यार भैया ठीक बोल रहे, मेरे को लाइफ में आगे जाना है, इंडिया के लिए खेलना है और मेडल देना है, तो मेरे को ये नहीं भूलना है। अभी विमेंस रग्बी ने बहुत प्रोग्रेस किया है, लिटरली एक साल में आपने टेस्ट मैच जीता, 15 का टेस्ट मैच जीता, ये बताइए कि आपके ख्याल से अभी विमेंस रग्बी के लिए आपका सपना क्या है, खुद के लिए और टीम के लिए? सारे एथलीट्स का टारगेट एक ही होता है कि ओलंपिक जाने के लिए, सेम एम्बिशन हमारा भी है, मेरे भी हो, मेरे टीम का भी है, अभी जितना भी एंड मेडल्स दे रहे हैं इंडिया के लिए बहुत काफ़ी है, हम लोग का प्रोग्रेसिंग चल रहा है, लेकिन टारगेट हमारा ओलंपिक ही है। द रग्बी सेवन्स हैज जस्ट बिन एंटर इन द ओलंपिक्स एज ऑफ 2016 एंड दे आर ट्राइंग टू क्वालिफाई, हैड दे वन आई थिंक फर्स्ट, अगर आते आप फिलीपींस में फर्स्ट या सेकेंड के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग था आपके लिए, और यहाँ जो सब लोग बैठे हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका लाइफ का मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारे लड़कियों को ये एक फर्स्ट थिंग बताना चाहूँगी कि मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रगल आए हैं, मैंने जैसे ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके एकदम आराम से कूल से ठंडे दिमाग से उसको छोड़ के आई यहाँ तक हूँ,
मैं सारे लड़कियों को वही बताना चाहूंगी और जितने भी आप लोग बैठे हो आपको ये बताना चाहूंगी कि लाइफ में ऐसे स्ट्रगल्स बहुत आते हैं, तो हम अगर उसको ठंडे दिमाग से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो इजीली हो सकता है और हमारा सक्सेस भी आराम से हमें मिल सकता है। I've met many, many athletes over 30 years of my career, but someone like Meerarani is just rare, just terrific, and just inspirational. So I'd like all of you to just give a hand to Meerarani Hembram. Thank you for being such a lovely audience. Thank you.